विभिन्न वीडियो के निर्देश पर मतदान केंद्रों पर साफ सफाई को लेकर स्वच्छता कर्मियों ने चलाया सफाई अभियान। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय। बेगूसराय लोकसभा चुनाव के चौथे चरण 13 मई को होने वाले मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में कराए जाने को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। इसके साथ ही प्रखंड के सभी 147 मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई दुरुस्त करने संबंधित कार्य को भी कार्य रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी मतदान केंद्रों की बेहतर साफ सफाई को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर पंचायत में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को प्रतिनियुक्ति कर उन्होंने पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षकों को प्रेषित पत्र के माध्यम से दिए गए निर्देश के आलोक में साफ सफाई दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित पंचायत के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं विभाग के प्रखंड समन्वयक को भेजा गया है ताकि इस कार्य की निगरानी वो खुद कर सके। इसी के आलोक में गुरुवार को प्रखंड के रात ग्राम पंचायत अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 11, 13 और 14 पर पंचायत पर्यवेक्षक हरिवंश कुमार के नेतृत्व में संबंधित सभी स्वच्छता कर्मियों ने सफाई अभियान चलाकर मतदान केंद्र के अंदर, मतदान केंद्र के बाहर और मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले मार्गों की साफ सफाई की गई। इस कार्य में स्वच्छता कर्मी राम पुनीत कुमार, दीपक कुमार, चंदन कुमार, ज्ञानी कुमार, मुकेश कुमार, सोनी देवी, वरुण पासवान, धर्मेंद्र शर्मा एवं रामकिशोर कुमार आदि शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विद्यालय से जुड़े लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई है कि 11 मई तक हर हाल में अपने अपने विद्यालय का शौचालय व गंदगी की साफ सफाई करनी, उसके बाद 12 मई को इन्हें सुबह 5 बजे से 6 बजे तक विद्यालय के मतदान केंद्रों को हर हाल में खोल दिया जाए।